हाय गाइस, सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉल आउट्स के बारे में, कि कॉल आउट्स होते क्या हैं एंड कॉल आउट्स यूज़ कैसे करते हैं एंड कॉल आउट्स क्यों ज़रूरी है एंड कॉल आउट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमें कॉल आउट्स क्यों बनाने चाहिए एंड क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊँगा प्रैक्टिकली। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कॉल आउट्स होता है ये गूगल एड्स के लिए है। एंड गूगल एड्स में जब आप कॉल आउट यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है, जो आपका एड होता है उसकी रिलेवेंसी एंड वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। एंड आप क्या करते हो, यूज़र्स को इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकते हो अपने कॉल आउट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो कॉल आउट्स को इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपल है और बहुत इजी टिप्स है कॉल आउट्स को क्रिएट करने का। सो आपको करना क्या है, आपको अपना गूगल एड्स जो है अकाउंट है ये ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो एड्स एंड एसेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एसेट पे जाना है। एसेट पे जब आप जाओगे देन यहाँ पे आपके सामने प्लस का आइकन मिलेगा एंड इसके बाद आपको कॉल आउट पे जाना है एंड इस पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देखोगे आपकी आपका जो कॉल आउट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कॉल आउट्स बनाने हैं। तो कॉल आउट्स कैसे बनाओगे तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कॉल आउट्स दिखता कैसे है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। सो अगर इससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई एड सर्च हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक टॉप पे ही दिख रहा है जो एड रन हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे मैं दिखाता हूँ आपको जो हमारा कॉल आउट्स होता है वो कैसा दिखता है। तो कॉल आउट्स आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है बिजनेस आरओआई, मैनेजिंग $8 मिलियन इन एसईओ स्पेंड, 97% क्लाइंट रिटेंशन रेट। सो इस अकॉर्डिंग जब आप कॉल आउट्स बनाते हो अपने एड्स में तो कॉल आउट्स जो आपका होता है वो इस अकॉर्डिंग दिखता है। जैसे यहाँ पे इसने 3 कॉल आउट्स बना रखे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने कॉल आउट्स हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप 20 कॉल आउट्स बना सकते हो। बट जो यहाँ पे विजिबल होगा एक बार में या फिर एक एड पे, वो आपका 5 से 6 कॉल आउट्स है जो आपका विजिबल हो सकता है आपके ऐड पे, ठीक है। बाकी जो आपके और कॉल आउट्स होंगे, जैसे 14, अगर मान लेते 6 कॉल आउट्स आपके एक ऐड पे शो हो रहा है, तो आपके जो 14 होंगे वो अलग अलग हेडलाइन पे भी शो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कॉल आउट्स क्रिएट कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉल आउट्स मैंने बता रखा है, आपको एसेट में जाना है। एसेट में जाने के बाद क्लिक करना है प्लस आइकन पे एंड यहाँ पे आपको कॉल आउट पे जाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड टू। तो ऐड टू हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने कैंपेन बना रखा है ऑलरेडी। सो यहाँ पे मेरे पास एक कैंपेन है, सो मैं इस कैंपेन को सिलेक्ट करता हूँ कि जो भी मेरा कॉल आउट होगा इस कैंपेन में अटैच हो जाए। सो अब मैंने यहाँ पे कॉल आउट बना लेता हूँ, जैसे बेस्ट मार्केटिंग सर्विसेज मैंने ये डाल दिया, बेस्ट मार्केटिंग सर्विसेज। देन इसके अलावा मैं डालता हूँ #1 #1 मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सो मैंने यहाँ पे 2 कॉल आउट्स बना लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, जैसे बेस्ट मार्केटिंग सर्विसेज #1 मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। एंड यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक एसईओ, लाइक डाल देता हूँ बेस्ट SEO सर्विसेस सर्विस प्रोवाइडर। देन यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे वर्डप्रेस डेवलपर, सो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 मैंने कॉल आउट्स बनाए हैं। एंड आपको और भी कॉल आउट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड पे जाओगे, सो ऐड करते हुए चले जाओगे। जैसे मैं ऐड करके एक कॉल आउट्स और दिखा देता हूँ, एंड प्राइस डॉलर $25, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक स्टार्टिंग एट
स्टार्टिंग एट प्राइस $25। सो मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपको समझाने के लिए डाला है, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने पांचवा डाला है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ना इस अकॉर्डिंग है कि लाइक मैं अगर सेकंड प्रीव्यू पे जाऊँ तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे भी मुझे चार दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके कॉल आउट्स होंगे वो चार ही दिखेंगे, ठीक है। एंड जो चार दिख रहे हैं इसके अलावा आप जितने भी कॉल आउट्स बनाओगे वो आपके अलग अलग हेडलाइन पे शो होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप जो 20 कॉल आउट्स बना सकते हो एंड इजिली आप उसे रन कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा एड है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन चुका है, बिकॉज मैं यहाँ पे जो यूजर्स है वहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिटेल सर्विस में यूजर्स को समझाना चाह रहा हूँ या दे रहा हूँ कि वो समझ सके कि जो मेरा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ये क्या प्रोवाइड कराती है, बेस्ट मार्केटिंग सर्विस है, देन नंबर वन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, बेस्ट SEO सर्विस प्रोवाइडर है, वर्डप्रेस डेवलपर है। सो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये रेलिवेंट हो रहा है। देन ऑडियंस क्या होगी कि कैच हो सकती है, ठीक है, जो मैं ऐड रन करूँगा इससे कैच हो सकती है, ये सिर्फ कॉल आउट से। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉल आउट हमारा अट्रैक्ट करता है हमारे ऑडियंस को एंड हमारे एड को और ज़्यादा बेटर बनाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मान लेते हैं आपने सिर्फ कॉल आउट्स बनाए, तो अब इसे आप देखोगे कैसे, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कॉल आउट्स जो मैंने बनाए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर आप चाहो तो इन्हें आप जैसे मान लेते हैं कि हम इसे किसी दूसरे कैंपेन में भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे जिस भी हम कॉल आउट्स को शो करना चाहते हैं। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे ऐड पे जाता हूँ, ऐड टू, एंड यहाँ पे मुझे कैंपेन सिलेक्ट करना है एंड जो भी मेरा कैंपेन होगा वो ऑलरेडी मैं उस पर सिलेक्ट करके डन कर दूंगा। तो ये जो मेरा कॉल आउट है वो मेरे उस कैंपेन पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो कॉल आउट्स पहले से भी बना के रख सकते हो और बाद में अपने कैंपेन के साथ अटैच कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो का बटन दिख रहा है एडिट का, इसे करके आप इसे पॉज भी कर सकते हो एंड एनेबल भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको कॉल आउट्स बनाना है एंड क्रिएट करना है। और ये क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि ये आपके ऐड को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉल आउट्स कैसे बनाना है गूगल एड्स पे एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। एंड इस प्लेलिस्ट को ज़रूर अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना ताकि आप मेरी जो आने वाली वीडियोस है गूगल एड्स के ऊपर वो ईजिली देख सको एंड अपना पहला कैंपेन रेडी कर सको।